वेलकम बैक अगेन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। और आज के इस वीडियो में समझेंगे कि जब हम डाइवोर्स लेने जाते हैं, जब डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में, और सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं, 7-8 जो ग्राउंड्स हैं हमारे, उन ग्राउंड्स पर जब हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या उन सभी ग्राउंड्स में से सिर्फ एक ग्राउंड को भी प्रूव कर हम डाइवोर्स ले सकते हैं, या हमको एक ग्राउंड के बाद दूसरे या तीसरे ग्राउंड को भी प्रूव करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो 7-8 ग्राउंड्स हैं, क्या उसमें से सिर्फ एक ग्राउंड को प्रूव कर ही डाइवोर्स ले सकते हैं, या उसके साथ कोर्ट ये भी कंडीशन लगा सकती है कि भाई नहीं, एक आपने ग्राउंड प्रूव कर दिया है, इसके साथ आप दूसरा ग्राउंड भी प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि आपने जो है क्रुएलिटी को प्रूव कर दिया कि मेरे साथ मेरी वाइफ ने क्रुएलिटी की है, और वो मैंने जो फैक्ट्स दिए हैं कोर्ट में उससे प्रूव होता है, तो क्या इसके बाद कोर्ट ये भी कह सकती है कि नहीं भाई, क्रुएलिटी के साथ साथ आप अडल्ट्री भी प्रूव करो कि आपकी वाइफ का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसके बाद ही मैं जो है आपको डाइवोर्स ग्रांट करूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोर्ट ऐसा कह सकता है? क्या कोर्ट को हमें जो है एक ग्राउंड के साथ साथ दूसरा ग्राउंड भी प्रूव करना पड़ेगा, या कुछ ऐसे ग्राउंड्स जो कोर्ट कह रही है हमको उसको प्रूव करना पड़ेगा? यही हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पति ने अपील फाइल किया और उसमें बोला कि भाई, मुझे ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि आपने क्रुएलिटी तो प्रूव कर दी है, बट साथ ही साथ आप जो है दूसरा ग्राउंड भी प्रूव करो, उसके बाद ही आपको डाइवोर्स दिया जाएगा। अब इस केस में क्या फैक्ट था, पहले इस फैक्ट को समझो, तब आपको बेसिकली पूरा आइडिया समझ में आएगा कि क्या हुआ था इस केस में। ट्रायल कोर्ट ने किस बेसिस पर उसके डाइवोर्स को डिनाई किया, क्यों उसको जो है डाइवोर्स नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस केस में क्या किया, डाइवोर्स को ग्रांट किया या नहीं किया, हम इसको समझेंगे। बट बेसिकली सबसे पहले समझो कि इस केस में हुआ क्या था। इस केस में पति पत्नी का जो विवाह हुआ था, जो शादी हुई थी, वो 1986 में हुई थी। उसके बाद इनके दो बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद इन पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है और ये दोनों जो है आपस में साथ नहीं रह पाते हैं। हालांकि रहते साथ में ही हैं, लेकिन एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो है इनका जो है कोई रिलेशन नहीं रह जाता है। इसमें जो है पत्नी जो है पति पर काफ़ी टॉर्चर करती है, जो पति के पेरेंट्स हैं उनके साथ मिसबिहेव करती है, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसके आधार पर पति पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है। लेकिन साथ ही साथ जो पत्नी है, वो पत्नी भी जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, मतलब कि अपने पति के अगेंस्ट भी कुछ केसेस फाइल करती है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, और साथ ही साथ सेक्शन 9 का भी केस फाइल करती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी वो फाइल कर देती है सेक्शन 9 में। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो डाइवोर्स का केस पति ने फाइल किया होता है, उस पर जो है कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी ने क्रुएलिटी की है, और ये कोर्ट में प्रूव भी हो जाता है। जो भी फैक्ट्स पति जो है कोर्ट में देता है, उससे प्रूव हो जाता है कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, जिसके आधार पर उसको डाइवोर्स मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जो ट्रायल कोर्ट है वो एक बात कहता है कि भाई देखो, आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का भी केस फाइल कर रखा है, मतलब कि वो आपके साथ रहना चाहती है। अब अगर वो आपके साथ रहना चाहती है, तो फिर मैं आपको जो है यहाँ पर डाइवोर्स ग्रांट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कोर्ट जो है डाइवोर्स ग्रांट नहीं करता है। अब यहाँ पर पति कहता है कि भाई देखो, हमारा साथ में रह पाना मुश्किल है, हम अभी तक साथ में रह ही नहीं पाए हैं, जो हमारी सिचुएशन है शादी की वो इरिट्रीवेबल हो गई है, मतलब कि अब इसको दोबारा से फिक्स कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर पति कहता है कि जो हमारी शादी है वो इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज की कैटेगरी में आ चुकी है, तो यहाँ पर हमारा साथ में रह पाना मुश्किल है। इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन मैरिज क्या होता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी शादियाँ जहाँ पर पति पत्नी का साथ रह पाना मुश्किल है, अब वो साथ में रह ही नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि साथ में रह पाना उनका मुश्किल है, तो पति भी यहाँ पर कहता है कि भाई देखो, यहाँ पर हमारी जो शादी है वो उस सिचुएशन में आ चुकी है कि वो इरिट्रीवेबल हो चुकी है, यहाँ पर साथ में रह पाना मुश्किल है, और इसके साथ ही साथ जो क्रुएलिटी मेरी पत्नी ने की थी वो भी मैंने कोर्ट में प्रूव कर दी है, तो इस आधार पर मुझको डाइवोर्स ग्रांट हो जाना चाहिए। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है वो डाइवोर्स ग्रांट नहीं करता है, तो इस आधार पर जो है हाई कोर्ट पहुंचता है हस्बैंड, और वहां पर जाकर अपील में सारी सिचुएशन को हाई कोर्ट को बताता है, और फिर जब हाई कोर्ट में ये बात पहुंचती है, तो हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को आड़े हाथों लेता है और यहां पर ये चीज़ क्लियर करता है कि देखो भाई,
अगर किसी भी व्यक्ति ने सेक्शन 13 में जो भी ग्राउंड्स दिए हुए हैं अगर उसमें से एक भी ग्राउंड प्रूव कर दिया तो उस आधार पर वो डाइवोर्स को ले सकता है। और इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि रही बात सेक्शन 9 की, तो सेक्शन 9 बेसिकली तब यूज होता है, तब लागू होता है जब सिचुएशन ऐसी हो, जब संभावना हो कि पति पत्नी साथ में रह सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही सेक्शन 9 को अलाउ किया जाता है। अगर दोनों ही पार्टनर बहुत ही समय से अलग रह रहे हैं और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि उनका साथ में रह पाना मुश्किल है, जो उनकी शादी है वो इरिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में सेक्शन 9 को अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया कि अगर सेक्शन 13 में कोई भी एक ग्राउंड कोई भी पार्टनर प्रूव कर देता है तो उसके फेवर में डाइवोर्स को ग्रांट किया जाएगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में पति के फेवर में डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया। आई होप अब आपको ये समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 13 में सिर्फ आपको एक ही ग्राउंड प्रूव करना है, अगर आप एक भी ग्राउंड प्रूव कर देते हैं तो आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।